बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब मोहम्मद वबारक वसलम। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जान छूटी पेपरों से। सीरियस जो बात बताऊँ, छूट गया जान, ख़त्म हो गया पेपर। तो दोस्तों 4-5 दिन से भूल गया था ये व्लॉग बनाना है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह याद आया आपके भाई को व्लॉग बनाना। अच्छा, तो आज एक दो काम है वो करने हैं। सबसे पहले साइकिल के जाना है, साइकिल को सेटिंग के लिए सामान लेकर आना है। तो नाश्ता वगैरह जो मैं सुबह कर चुका हूँ उसका इंतजार कर रहा था कि दुकानें खुलें, 10:15, 10:30 का टाइम है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। मैं तो दुकानें खुलें तो जाएं, दुकान से जो सामान है बाजार से वो लेकर आएं, तो उसके बाद जो दूसरा काम है वो आकर करेंगे इंशाल्लाह। तो इंतजार ये था कि दुकानें खुलें, मगर अब बारिश भी शुरू हो गई है, पीछे बादल बने हुए हैं, तो बारिश शुरू हो गई है, बारिश रुकने का इंतजार करेंगे। अभी हल्की हल्की शुरू हुई है तो रुकने का इंतजार करेंगे, फिर जाएंगे बाजार और फिर लेकर आएंगे। तो करते हैं इंतजार बारिश का। तो भाई साहब, तो दोस्तों फाइनली मैं घर से निकल आया हूँ। बारिश का इंतजार मैं करता रहता तो पूरा दिन ऐसे गुजर जाना था। 12 बजने वाले हैं, थोड़ी देर आएगी 12 होने में, थोड़ा टाइम रहेगा 12 होने में। तो सड़क पर आपका वे पहुँच गया है, वो सामने सड़क इतनी जल्दी पहुँच भी आए हैं। इंशाल्लाह सड़क की तरफ से जा रहे हैं, दुआ कीजिएगा कि भीगू नहीं, गीला ना हो तो जल्दी पहुँच जाऊँ। I live inside my own world of make-believe. तो दोस्तों गुलियाना रोड में पहुंच आया हूँ। नबी साइकिल स्टोर पर पहले गया था, जानते होंगे अगर शुरू के ब्लॉग से ने देखे हैं तो, पहले भी मैं उधर आया था तो उधर से जो स्टैंड मुझे चाहिए वो तो नहीं मिला, तो दोबारा से वापस जा रहा हूँ। कह रहे हैं वापस जाओ, पहले जो आती है शान साइकिल स्टोर बढ़िया, जो उधर जा रहे हूँ दोबारा, उधर से उम्मीद करता हूँ कि मिल जाएगा। अगर ना मिला तो फिर पहले वाले जो लगा हुआ था वही मुझे लेकर मजबूरन वापस जाना पड़ेगा। ये रहा शान साइकिल स्टोर। ठंडी ठंडी हवा, मज़ा आ गया कसम से, बड़ी मज़े की हवा चल रही है गली में, अपनी गली में आ गया ना भाई साहब, हवा चल रही। दुकान पर रुको 2 मिनट के लिए, आलू लिए हैं, घर जाकर चिप्स बनाएंगे और मज़े से खाएंगे। इतनी देर में हम जो अपना साइकिल का स्टैंड है इसको एडजस्ट कर कर लगा देंगे। ये देखो भाई साहब सो रहा जा। तो भाई दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई हैरो हाफिया से घर पहुंच आया है। हल्का फुल्का जो भीगना था वो भीग आया हूँ। तो दोस्तों ये रहा साइकिल का स्टैंड जो मैं लेकर आया हूँ, तो इंशाल्लाह इसको लगाते हैं। आपके भाई के दाएं हाथ का कमाल है ऐसा। नहीं ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो साइकिल का जो काम मुकम्मल करना है मैंने, क्योंकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनमें साइकिल मेरे बहुत काम आने वाली है, तो इसलिए साइकिल की पूरी सेटिंग करना मेरा काम है कि कोई नुक्स रह ना जाए साइकिल में, जिसकी वजह से मुझे बाद में दोबारा से ये जो भी व्लॉग है ये दोबारा से बनाना पड़े। तो अपनी भी सेटिंग करेंगे इंशाल्लाह, बाल वगैरह जो है कटवाएंगे, सेट वेट होंगे, तो आप फिर लगाते हैं इसको स्टैंड। ये रही हमारी साइकिल और ये रहा भाई जिसकी ज़रूरत है, जिसके ज़रिए आज हम स्टैंड लगाएंगे इंशाल्लाह। तो ये पहले स्टैंड लगा हुआ था, ये देखें यहाँ से टूट कर गिर गया था, तो यहाँ से टूट के ये गिर गया था, तो फिर मैंने दोबारा इसको जुड़वाया नहीं है, तो वैसे ही था, तो अब मुझे साइकिल की ज़रूरत महसूस हुई है, तो इसलिए मुझे साइकिल का काम दोबारा से मुकम्मल करना पड़ेगा जो इसका अधूरा रह गया। अगर कोई और नुक्स हुआ तो वह भी इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे, उसका काम भी मुकम्मल करेंगे। तो अब बगैर टाइम ज़ाया किए लगाते हैं साइकिल का स्टैंड, लगा दें, चलो लगा देते हैं।
lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. चिप्स तैयार हो गया, देखे प्यारे, देखने में तो बड़े मजे के लग रहे हैं। अब खाकर पता चलेगा कितने मजे के हैं, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी हल्की हल्की, पर मौसम उस तरह ठंडा नहीं हुआ, मगर फिर भी बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चिप्स मज़ा आ जाएगा। आप तो दिल का रहा है इसको, इंतज़ार ना कराएं कि खाया जाए इनको, तो इंशाल्लाह खाते हैं। A few moments later. तो भाई दोस्तों, चार बस के 21 बैट्स मिनट हो रहे हैं, खाने खाने के बाद मैं सो गया था, तो अभी उठ रहा हूँ, काफ़ी मज़े की नींद आई है, आवाज़ भी चेंज हो गई होगी। उठते साथ मुझे याद आया कि मेरा कुछ अधूरा व्लॉग है, वो रह गया तो उसको कंप्लीट करना है इंशाल्लाह। तो एक काम जो है हमारा बिल्कुल फिनिश कंप्लीट हो चुका है, और दूसरा काम अभी होने जा रहा है इंशाल्लाह। तो ये आप देख रहे हैं हमारे बालों को, बिल्कुल चंपू बांध कर बैठा हूँ, ये रोज़ रोज़ चंपू बांध कर बैठने से बेहतर है कि इनका हल ढूंढा जाए। मेरे बाल फिलहाल इतने बड़े हो गए थे, इतने बड़े हो चुके हैं ना ये भाई साहब, बहुत कम इतने बड़े बाल मैंने रखे हैं, तो इस बार रखने पड़ गए हैं, तो अभी इनको कटवाना ज़रूरी है, क्योंकि मैं इनको काबू में नहीं रख सकता। ये चंपू रोज़ इतना सारा तेल लगा कर तो पीछे फेंको इनको, तो फिर आकर व्लॉग शूट करने के लिए बैठो, इससे बेहतर है कि इनको कटवा दिया जाए। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने, ये सारा काम इतनी जल्दी में होगा कि आपको भी पता नहीं चलेगा कैसे हो गया, तो बस अब चलते हैं बाल कटवाने। तो भाई साहब फाइनली पहुंचे हैं दुकान पर बाल कटवाने के लिए, अब सिर्फ इंतज़ार है, बारी है, बारी क्या आनी है, पूरी दुकान हाली तो पड़ी हुई है। भाई साहब बाहर आइसक्रीम दे रहे हैं और मैं अंदर इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरी फारग हो मार कर बाल कटे मेरे, काटे मेरे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बालों की कटिंग भी हो गई है, देख लो आप, आपके सामने हुई है सारी कटिंग। तो बाल कटवाने के बाद वहीं से ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाई है, मज़ा आ गया, और मैं घर भी पहुँच आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब नहा धोकर साफ सुथरा होकर फिर देखते हैं क्या करना है। दरवाजे की बात है, खुल गया दरवाजा, ओके फिर मिलते हैं। तो दोस्तों कैसे हैं सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब हैरियत से होंगे, क्योंकि आज अगला दिन चार चुका है, 9:50 हो रहे हैं, कल का व्लॉग ही है ये और एंड आज होगा, क्योंकि कल तो मैं एंड कर नहीं सका, नहा धोकर तैयार होकर मैं खेलने चला गया था, इसलिए मैं कल का व्लॉग जो है एंड नहीं कर सका। तो अभी फ़िलहाल आपके भाई के हाथों में काफ़ी शदीद दर्द है, उंगलियों में ये जो उंगलियाँ काफ़ी शदीद दर्द कर रही हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं इसकी वजह से, तो भाई सब लगती तो है ना, फिर वो बर्दाश्त भी करना पड़ती है। तो बात की जाए साइकिल की, तो उसको मॉडिफाई करना वगैरह एक्सेट्रा काफ़ी कुछ उसका अभी बाकी है, तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो अलग आएगी और बात भी उसके बारे में अलग होगी इंशाल्लाह। तो अभी आपके भाई को जुकाम फ्लू लगा हुआ है 2 दिन से, उम्मीद करता हूँ ईद तक दुआ कीजिएगा कि ठीक हो जाए। तो अब बगैर वीडियो को ज़्यादा लंबा किए, बगैर इतना खींच कर ज़्यादा लंबा करने से बेहतर है ये वीडियो को इधर ही एंड किया जाए। तो कमेंट ज़रूर करना है आपने, जिस जिसने वीडियो देखनी है ज़रूर, कुछ भी कमेंट हो मगर कमेंट ज़रूर करना है, कि मुझे पता चले कि आप लोग क्या चाहते हैं, इसलिए तो कमेंट ज़रूर करना है। लाइक सब्सक्राइब वो आपकी मर्ज़ी है, वो मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, मगर आप कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो अल्लाह हाफिज़।